कि जो लोग गायत्री मंत्र का जप नहीं कर सकते, जिनको गायत्री मंत्र जपने का अधिकार प्राप्त नहीं है, ऐसे लोग भी श्रीमद् भागवत महापुराण का पारायण करें, पाठ करें, इसको श्रवण करें, तो गायत्री जपने का और वेद पढ़ने का जो फल है वही फल प्राप्त होता है। ये बड़ा गंभीर विषय है कि आज इस बात की चर्चा होती है कि वेदों पर सबका अधिकार क्यों नहीं, सबको वेद पढ़ना चाहिए, सबको गायत्री मंत्र जपना चाहिए। मैं विषय का विस्तार नहीं करूंगा, लेकिन इतना जानूं कि हर कार्य का एक निश्चित नियम होता है, एक संविधान होता है, एक प्रावधान होता है। वेदों को पढ़ने का एक निश्चित नियम है, वेद वही पढ़ सकता है जिसका यज्ञोपवीत संस्कार होता हो। स्त्री का यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता है, शास्त्र में स्त्री के लिए यज्ञोपवीत का विधान नहीं है, इसलिए स्त्री को वेद पढ़ने का निषेध किया गया। स्त्री को वेद नहीं पढ़ना चाहिए। और चतुर्थ वर्ण के लोग जिनका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता, उनको भी वेद पढ़ना निषिद्ध है। यहां तक कि ब्राह्मण का ही बालक क्यों न हो, क्षत्रिय का बालक क्यों न हो, लेकिन जब तक उसका उपनयन संस्कार नहीं होता तब तक वो वेद नहीं पढ़ सकता। उपनयन संस्कार वेद पढ़ने के लिए ही होता है, केवल कंधे पर यज्ञोपवीत रखने के लिए नहीं कि तीन सूत का धागा हमने रख लिया तो हम पवित्र हो गए। उस संस्कार का नाम है यज्ञोपवीत संस्कार। उपनयन, उप माने समीप में, नयन माने ले जाने वाला। जिस संस्कार के द्वारा हम वेदों के सन्निकट जाते हैं, गुरु की सन्निधि में जाते हैं, ऐसे संस्कार का नाम उपनयन संस्कार है। तो जिसका उपनयन संस्कार हो उसे वेद पढ़ने का अधिकार, और जो वेद नहीं पढ़ सकता वो तत्व ज्ञान कैसे प्राप्त करे। तो ऐसे लोगों के लिए वेद व्यास जी ने कृपा करके 18 पुराण की रचना की, भागवत की रचना की। तो इस ग्रंथ के माध्यम से वेद के तत्व को वे लोग भी जान सकते हैं जिनका उपनयन संस्कार नहीं होता, उनका भी कल्याण होगा। मानो ये संकेत किया है सत्यम परम धीमहि। इसके पश्चात दूसरे श्लोक में वेद व्यास जी ने प्रतिज्ञा की है कि श्रीमद् भागवत में जो मैं वर्णन करूंगा उस धर्म का स्वरूप क्या होगा। धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरे सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रकृतभिः शुश्रूषु विस्तच्छणा। वेद व्यास जी लिखते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण में मैं शुद्ध धर्म का वर्णन करूं। बोले कैसा धर्म? बोले धर्म प्रोज्झित कैतवो, जिस धर्म से कैतव कपट को हमने निकाल करके फेंक दिया। कैतव का अर्थ है कपट और उज्झित का अर्थ है फेंकना। तो धर्म प्रोज्झित कैतवो, धर्म के अंदर जो कपट था, जो गंदगी थी, उसको निकाल करके हमने उज्झित कर दिया, फेंक दिया, तो बचा क्या? बोले शुद्ध धर्म। ऐसे धर्म का मैं वर्णन करने जा रहा हूं, धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमु। और ये धर्म किसका धर्म है? इस धर्म का आचरण कौन लोग करते हैं? बोले निर्मत्सराणाम सताम, जो निर्मत्सर पुरुष हैं, सज्जन पुरुष हैं, ऐसे पुरुषों का ये धर्म है। और इस धर्म के आचरण से मिलता क्या है, ये धर्म क्या सिखाता है? बोले वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम, ये वास्तविक वस्तु, परमात्म वस्तु का निरूपण करने वाला है। और तापत्रयोन्मूलनम, हमारे जीवन के तीनों तापों को मिटाने वाला है। और इतना ही नहीं, इस धर्म को जो सुनता है उसके हृदय में भगवान आकर के विराजमान हो जाते हैं। सद्यो हृद्यवरुध्यते प्रकृतभिः शुश्रूषुभिस्तच्छणा। धर्म से कपट निकाल दिया वेद व्यास जी ने। ये कपट क्या है? धर्म में भी कपट होता है। बाकी जितने ग्रंथ हैं उन ग्रंथों में भी धर्म का ही निरूपण है, लेकिन धर्म के साथ साथ थोड़ा थोड़ा कपट भी मिला दिया है ऋषियों ने, आचार्यों ने। कपट क्या है?
बोले स्वार्थ, सकाम धर्मानुष्ठान। जितने ग्रंथों को आप पढ़ें उनमें धर्म का तो वर्णन है, लेकिन वर्णन के साथ साथ उसका फल भी लिखा हुआ। ये यज्ञ करो तो ये पुण्य मिलेगा, ये करो तो ये होगा, ये करो तो ये होगा, यही कपट है। और व्यक्ति उस धर्म को न देखकर वो देखता है कि इसका फल क्या है, और फल देख करके वो प्रवृत्त होता है, और फल देख करके सकाम भाव से जब धर्म में जीव प्रवृत्त होता है तो परिणाम क्या होता है। बोले प्रारब्ध वशात, पूर्व जन्म के कर्मों के कारण और धर्मानुष्ठान में किसी प्रकार की कमी हो जाए अथवा धर्म का शुद्ध प्रतिपादन आचरण न हो सके, ऐसी स्थिति में जब उसको उन फलों की प्राप्ति नहीं होती तो धर्म की निष्ठा समाप्त हो जाती है, और परिणाम स्वरूप कभी कभी वो भटक भी जाता है। आचार्य कहते हैं देखो, धर्म करो लेकिन निष्काम धर्म का आचरण होना चाहिए। गीता यही बताती है, यस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागी त्यभिधीयते। जो कर्म के फल का त्याग करे वो त्यागी है, इससे बड़ा त्याग कुछ नहीं है। और कर्म के फल की इच्छा से जब हम कर्म में प्रवृत्त होते हैं तो फल न मिलने पर धर्म के प्रति, कर्म के प्रति जो निष्ठा है वो बेकार हो जाती, बिगड़ जाती। एक सज्जन मिले, बोले महाराज पहले हम भी खूब रामायण का पाठ करते थे, रोज एक मास पारायण करते थे, 10 माला जप करते थे रोज, संध्या वंदन करते थे, लेकिन अब कुछ नहीं करते। बोले महाराज इतने अच्छे काम को क्यों छोड़ दिया, करना चाहिए था, अब भी करते तो अच्छे काम है, जो छोड़ना चाहिए वो व्यक्ति छोड़ता नहीं और अच्छे काम छोड़ देता, क्यों छोड़ दिया। बोले क्या करें महाराज, मेरा जवान बेटा मर गया, बस उसी दिन से मेरी निष्ठा खत्म हो गई, अब कुछ नहीं करते। हमने कहा तुम्हारे जवान बेटे के मरने से इन धर्म कर्मों का क्या संबंध है, बेटे का मरना उसके प्रारब्ध का परिणाम है, उसकी जितनी आयु थी उतना वो जीवन प्राप्त किया, उसकी आयु पूर्ण हुई वो गया, उसके प्रारब्ध से तुम्हारे कर्म धर्मों का कोई संबंध नहीं है। और तुम धर्म करते हो, कर्म करते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि अब तुम्हारा बेटा नहीं मरेगा, तुम्हारे नाना नहीं मरेंगे, तुम्हारी नानी नहीं मरेंगी, तुम्हारे घर में कोई मरेगा ही नहीं, सब अमर थोड़ी हो जाए। ये तो मृत्यु लोक है, सबके अपने अपने धर्म है, अपना प्रारब्ध है, लेकिन व्यक्ति ये मान बैठता है कि अब हम धर्म करते हैं तो अब मेरे साथ कोई परेशानी नहीं होगी, मुझे कोई कठिनाई नहीं होगी, हम आनंद में रहेंगे। बात ठीक है, लेकिन प्रारब्ध अपना काम करता है, प्रारब्ध आगे आगे चलता है। इसलिए इन संसार की सुख सुविधाओं को धर्म से मत जोड़ो, धर्म एक अलग विषय है, और धर्म का फल भगवान है, धर्म का फल है परमात्म प्रीति। सो सब कर्म धर्म जरी जाहु, गोस्वामी जी कहते हैं वो कर्म धर्म जल जाएं जिन धर्म कर्मों से भगवान के चरणों में अनुराग न होता हो। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु, वो योग कुजोग है, वो ज्ञान अज्ञान है जिसके माध्यम से परमात्म प्रीति न हो। तो धर्म का वास्तविक फल है गोविंद के चरणों में प्रीति और निष्कामता, तो यही धर्म का कपट है। संत कहते हैं देखो, नास्तिक व्यक्ति सकाम कर्मानुष्ठान करने वाले व्यक्ति से अच्छा है। क्यों? बोले नास्तिक के बुद्धि में अगर कोई ये बैठा दे कि ईश्वर है, परमात्मा है, तो वो नास्तिक कभी भी आस्तिक हो सकता है। उसके सामने ऑप्शन है, उसके लिए चांस है कि वो नास्तिक आस्तिक हो जाएगा। लेकिन जो आस्तिक व्यक्ति सकाम भाव से कर्मानुष्ठान करता है वो कब नास्तिक हो जाए इसका कोई ठिकाना नहीं। क्यों? बोले उसके मन के अनुकूल फल की प्राप्ति नहीं होगी तो निष्ठा समाप्त हो जाएगी, सब छोड़ देगा। बोले हटाओ ये सब कुछ नहीं है, यही समझना है, यही समझ करके धर्म करना है। तो इस कपट को हम धर्म से निकाल करके शुद्ध धर्म का आचरण करें, और श्रीमद् भागवत महापुराण यही बताता है। एक संत किसी गृहस्थ के द्वार पर भिक्षा मांगने गए तो घर में जो गृहिणी थी वो भीतर से 2 रोटी लेकर के आई बाबा को देने के लिए। बाबा दरवाजे पर खड़ा खड़ा देख रहा था। गृहिणी ने क्या किया? बोले उस गृहिणी का बच्चा
बिस्तर पर सोया था तो गृहिणी ने दो रोटी उठाई और बच्चे के सिर पर दो बार घुमाया और लाकर के बाबा की झोली में डाला। बाबा हंसने लगे। बाबा ने कहा, मैया तेरे घर में और कोई बचा हो तो उसके भी सर पे घुमा ले। दो रोटी देती है और अपने घर का सारा पाप इसमें डालना चाहती, सब मेरे घर का दुख चला जाए। यही कपट है। किसी को हम दो रोटी भी देते हैं तो उसके पीछे हम अपना स्वार्थ लगाएं कि इसका फल मुझे मिले। इस भावना से जब हम ऊपर उठेंगे तब धर्म के वास्तविक स्वरूप को हम जीवन में स्वीकार कर पाएंगे। और यही सिखाने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण है।